वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड आपका स्वागत करता है हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़ सो स्टूडेंट वी आर बैक टू आर एन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास ऑफ फिफ्थ होप यू ऑल आर वेल एट होम फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल एंड मेन्टेनिंग द हाइजीन एंड ट्राई टू लर्न एवरीडे समथिंग न्यू दिस लर्निंग प्रोसेस विल इंप्रूव योर नॉलेज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू सो स्टूडेंट Today, we will start our chapter 7, Our Forest Wealth. Okay, with these points, we will try to understand this chapter. So, let's begin. Open your page number 37 and let's, let's start reading with me. Okay. Land thickly covered with trees, bushes, and creepers in इज़ कॉल्ड अ फॉरेस्ट मतलब वो ज़मीन है जो थिकली कवर्ड होती ट्रीज से मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं बुशेज होते हैं और क्रीपर्स होते हैं और देर इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट ओके तो वो लैंड है ना फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली मेनलीट प्रजेंट ओनली अबाउट वन फिफ्थ ऑफ इंडिया टोटल एरिया इज फॉरेस्ट मतलब इट मीन्स टू फॉरेस्ट है मेनली हमारे इंडिया में सफिश मतलब जहाँ पे भी रेनफॉल मतलब बारिश ज़्यादा होती है अच्छी होती है वहाँ पे सफिशेंट होती है वहाँ पे मिलता है और आइडली वन थर्ड जो है टोटल एरिया है हमारी कंट्री का वहाँ पे हम अंडर फॉरेस्ट जो दिखता है हमें और एट प्रेजेंट अभी की जो कंडीशन है एट प्रेजेंट कि वन फिफ्थ ऑफ इंडिया टोटल एरिया इस फॉरेस्ट है ना जो वन फिफ्थ एरिया है वो टोटल एरिया वन फिफ्थ टोटल एरिया इंडिया का वो फॉरेस्ट है सो और फर्स्ट पॉइंट इज़ वेयर आर फॉरेस्ट फाउंड है ना मतलब फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं तो फॉरेस्ट आर इंडिया में हर देखिए इंडिया की बात हो रही है फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड लॉन्ग अलॉन्ग द रेनी स्लोब्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स द हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया मतलब जो फॉरेस्ट है मोस्टली कहाँ मिलते हैं वो रेनी uh, घाट्स में जो स्लोब्स हैं वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट आपका वो होगा जहाँ पे लाइक दैट वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज अ Sayadri are a mountain range that covers the area of 14,000 square kilometers in a स्ट्रेच सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर्स पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन जिस लाइक कर्नाटका तमिलनाडु केरला गोवा महाराष्ट्र एंड गुजरात मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है आपको जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया जो मिलेगा आपका लाइक गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु है ना वहाँ पर उसके साथ ही ये पैरलर ये माउंटेन्स रहते हैं वहाँ पर जो घाट्स हैं वो वहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश भी होती है इसलिए वहाँ पर आपको स्लोस में वहाँ पर फॉरेस्ट भी मिलता है ईस्टर्न इंडिया में आपको ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा के साइड हो गया आपका और द अंडमान एंड निकोबार आइस एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ना उड़ीसा ईस्टर्न इंडिया आपका हिमाचल उत्तराखंड ये सब हो गया वेस्ट बंगाल में भी और अंडमान निकोबार और उड़ीसा में यहाँ पे आपको मोस्टली रेन मतलब फॉरेस्ट आपको मिलते हैं सम पार्ट्स ऑफ आल्सो फाउंड इन द हिमालयन माउंटेंस एंड एंड द साउथन प्लेट्यूज ओके okay? मतलब जो हिमालयन हिमालयन माउंटेंस है वहाँ पर मिलते हैं और साथ में जो साउथर्न प्लेट्यूज़ हैं जो पठार है ना साउथन के मतलब साउथ और साउथ में जो भी प्लेट्यूज़ है पठार है वहाँ पे भी आपको सो so, साउथ इन प्लेट्यूज मतलब जो साउथ में जितने भी प्लेट्यूज हैं ना पठार वहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो हमने देखा फॉरेस्ट आर वेर आर फॉरेस्ट फाउंड आपको ये वेस्टर्न घाट में मिल रहे हैं ईस्ट दैट ईस्टर्न इंडिया में अंडमान निकोबार आइसलैंड में है ना एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा और हिमालयन माउंटेंस में और साउथर्न साउथर्न प्लेट्यूज में मिल रहा है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल दे आर है ना मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो किस पे डिपेंड करते हैं क्लाइमेट वहाँ का क्लाइमेट कैसा है अ काइंड ऑफ सॉइल वहाँ की मिट्टी और वहाँ पे रेनफॉल कितने अमाउंट में हो रहा है सो लेट सी दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल uh, uh, होता है और Uh, वहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट मोस्टली ऑल टाइम रेनिंग होती है बारह बहना रेनिंग होती है ड्राई सीज़न वहाँ पे नहीं होता है ये एक तरह से लो लैंड इक्वेटिकल एवर ग्रीन होता है ये है ना आई शो यू द पिक्चर ये जो ये सारे हैं इस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा मतलब घने बड़े रेन होती है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर हमेशा पानी बारिश होती रहती है यहाँ पर ड्राई सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है तो एक तरह से ये लो लैंड एंडल एवर ग्रीन होता है ओके okay? आपका हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सेकेंड इज ट्रॉपिकल डिसीडियस डीडियस फॉरेस्ट ओके टॉपिकल डिसीडियस यू द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है जहाँ पे बारिश तो काफ़ी होती है एक जो टाइम होता है एक लंबे टाइम के लिए बारिश होती है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे विंटर में है जो ड्राई होता है विंटर जो है काफ़ी ड्राई होता है और इस टाइम ये क्या होता है आपकी जो लीव्स हैं लीव्स के जो शेड्स हैं वो चेंज करते हैं ओके तो ये आपका हो गया ट्रॉपिकल डिस डिसीडियस फॉरेस्ट ओके यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होता है लेकिन साथ में एक लंबा विंटर में ड्राई भी होता है ओके So desert vegetation desert vegetation desert samajh rahe वेजिटेशन na समझ रहे हैं ना रेगिस्तान जहाँ तो i'll तो वहाँ the picture. तो जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे ड्राई एरिया होता है वहाँ पे इस तरीके का वेजिटेशन होता है इस तरीके का देखने को देखने को मिलता है हमें ऐसे प्लांट्स होते हैं फोर्थ इज़ माउंटेन वेजिटेशन माउंटेन वेजिटेशन हम देखेंगे जो जो प्लांट्स हैं ना वेजिटेशन जो माउंटेन uh, में होता है माउंटेन्स में जिसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल यहाँ एक बायोम रेडी करते हैं तो ये जो वेजिटेशन है जो माउंटेन्स में दैट इज़ कॉल माउंटेन वेजिटेशन यहाँ पे जितने भी प्लांट होते हैं वो माउंटेन वेजिटेशन में आएंगे माउंटेन के प्लांट्स क्योंकि वेजिटेशन वहाँ का अलग होता है ओके okay? फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि ये हमारा वेस्ट बंगाल में सुंदर वन में आपको देखने को मिलता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी ऑयली होती है मतलब इनकी वोट जो होती है और ये वाटर uh, इरोजन से भी बचाता है और ये पानी में ही आधी इनकी जो जड़ें होती हैं ये सब आधा इनका जो बॉडी स्टेम होता है ये सारा सिर्फ पानी में डूबा हुआ रहता है और uh, इसमें देखते हैं द सुंदर वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट द ट्रीज़ प्रोवाइड हार्ड ऑयली ड्यूरेबल वोट विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शन वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क एंड टू मेक वोड्स मतलब ये जो uh, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसकी जो स्टेम है आधा वो पानी में है तो काफ़ी ये ऑब्वियसली ये प्रोटेक्ट होगा वाटर से ये काफ़ी ऑयली होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में और इसे बोर्ड्स बनाई जाती है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है जो इस तरह की सुंदरवन में जो जहाँ पानी में इनके पेड़ होते हैं जो पानी में ही ग्रो करते हैं ओके लेकिन ये इनकी जो है ये प्लांट नहीं होते एक बिग ट्री होते हैं तो एक काफ़ी एरिया ये कवर करते हैं सो नेक्स्ट तो हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा ट्रॉपिकल डिसीडियस दे, फॉरेस्ट देखा डिजर्ट वेजिटेशन देखा हमने माउंटेन वेजिटेशन मैंग फॉरेस्ट देखा सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़ आर कॉल्ड द लंग ऑफ द अर्थ मतलब ट्रीज क्या है लंग्स हैं अर्थ के बिकॉज देख क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है कि वो आपको पता ही है एनिमल्स और ह्यूमंस ब्रीद करते हैं विदाउट ऑक्सीजन वी कान सर्वाइव ओके तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू सेव ट्री एनिम फॉरेस्ट आर ओके ट्रीज हेल्प ऑफ फ्रॉम रेन फॉल देप दॉयल मॉइसट एंड प्रिवेंट सॉयल वी वेल फॉरेस्ट एरियाज हेल्प टू कीप एट दैट एटमोस्फेयर कूल जो ट्रीज होते हैं वो रेनफॉल uh, होने में हेल्प करते हैं ओके दे हेल्प टू कीप द दॉयल जो है सॉइल को मॉइस्ट रखते हैं साथ ही साथ इरोजन जो सॉइल का इरोजन है वो रोकते हैं और जो वेल uh, फॉरेस्ट well, है ना एरियाज जो है वो हेल्प करता है क्या बोलते हैं जो अच्छा फॉरेस्ट एरिया वो एटमोसफियर को कूल cool करने में ऑब्वियसली जहाँ पे रेगिस्तानी देखते देखते हैं वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं ज़्यादा तो वहाँ टेम्परेचर हाई होता है लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर फॉरेस्ट uh, अच्छा होता है जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं वहाँ का टेम्परेचर भी कूल cool होता है ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है सो द नेक्स्ट पेज पेज नंबर थर्टी एट एवरी पार्ट ऑफ ट्री इज़ यूज़फुल फॉर मतलब जितने भी पार्ट है ट्री के वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं द लीवस ऑफ सेवरल ट्रीज लाइक द साल एंड बनाना आर यूज टू मेक प्लेट्स मतलब जो लीव्स सेवल ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं लाइक like एग्जाम्पल के लिए साल और बनाना वो यूज होते हैं प्लेट्स बनाने के लिए बाउल बास्केट एंड ब्रूम्स कोकोनट लीव्स आर यूज टू अटैच द रूफ और जो कोकोनट की जो लीवस होती हैं पाम लीव्स होती हैं वो सब क्या करते हैं रूफ बनाते हैं मतलब वो छप्पर बनाते हैं जो कच्चा हाउस में द लीवस ऑफ नीम ट्रीज फॉर मेडिसिन परपज़ ओके okay, जो लीव्स होती है नीम की वो आपको पता है, uh, ही है मेडिसिन बनाई जाती है ना द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज लाइक द सिनेमन आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड जैसे कुछ जो बार्क होती है ना मतलब पेड़ों की छाल होती है वो फॉर uh, एग्जांपल जो सिनेमन होता है ना सिनेमन लाइक दारचीनी उसको फ्लेवरिंग तरह के प्लांट्स के हैं ना जो पार्ट्स होते हैं उससे मेडिसिन डाइज मतलब कलर्स और कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दे आर होम टू तो प्लांट्स एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट एंड पीपल जो फॉरेस्ट है ये एक नेचुरल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इसके लिए कुछ हमें फैक्ट्रीज नहीं लगानी पड़ती है ऑटोमेटिकली ग्रोन कर जाते हैं है ना और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं फूड प्रोवाइड करते हैं इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेचुरल रिसोर्स है और ये क्या है होम है किसके लिए प्लांट्स का मतलब जो फॉरेस्ट है वो प्लांट्स का होम है एनिमल्स का बर्ड्स का इंसेक्ट्स और पीपल का सभी को ही हमें शेल्टर मतलब एक होम है फॉरेस्ट के बिना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी लाइफ सर्वाइव करना ओके क्योंकि वहाँ पे प्लान्ट होते हैं ओके okay? इन्सेक्ट्स वहाँ पे इजली बर्ड्स और पीपल भी लोग भी रहते हैं सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड टू देस पॉइंट्स एंड वट एवर पॉइंट्स आर लेफ्ट वी विल कंटिन्यू यू आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन दैन ट्यून स्टे होम एंड स्टे सेफ और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट फॉर टू रीड बुक आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़ ओके बाय बाय